नमस्कार बच्चों, टेंथ क्लास की साइंस का अगला वीडियो आपके साथ मैं बना रहा हूं। अब तो आज आपको पहले इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है कि बच्चों, इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं आज से जो टॉपिक करवा रहा हूं, सारे 6 टॉपिक है ये या 5 टॉपिक है, 3 दिन में करवा दूंगा आपको और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट खबर ये है, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि ये जो 6 के 6 या जो 5 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, जैसे मैं करवाऊं या आपकी एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है वैसे कर लेना, जरूर करना। इन टॉपिक को मिस मत कर देना बच्चों, मिस मत कर देना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अब बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? सबसे पहले तो ब्लीचिंग को समझते हैं, ब्लीचिंग क्या होती है। बच्चों, ब्लीचिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कपड़ों का रंग उतारते हैं। ब्लीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच वी रिमूव कलर ऑफ द क्लोथ्स, लाइक दैट ब्लीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कलर फ्रॉम द क्लोथ्स। अब ब्लीचिंग पाउडर पर आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। भाई, ब्लीचिंग पाउडर इसकी फॉर्मेशन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी करेंगे हम और इसकी यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन दे दे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, इट इज CaOCl2। इट्स केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन, Cl2 क्लोरीन। अब बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब अब इसको बनाना सीखते हैं, ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया होगा, नहीं बताया तो सुन लो, वो मटेरियल बच्चों जिससे मिलकर ये बना हुआ है। तो ये बच्चों देखोगे आप किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, ये चीजें हमें चाहिए। तो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब रॉ मटेरियल की बात करूं मैं, रॉ मटेरियल की बात करूं तो बच्चों सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले आपको बता सकते हो मेरे को क्या चाहिए। मेरे को अगर आप यहां पर देखो तो CaOH2, बच्चों इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम होता है, OH आयन होता है, आपको बताया हुआ मैंने, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं उसको, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। दूसरे मटेरियल की बात करूं बच्चों तो मेरे को क्या चाहिए, Cl2 गैस चाहिए। अब इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट CaOH2 प्लस में Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2। व्हाट इज दिस, ऊपर वाला और नीचे वाला फॉर्मूला आप मिला सकते हो कि ये क्या होता है, और इसका बाई प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं होता वो क्या मिलता है हमें, H2। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग आप समझ गए होंगे, इसमें समझाने वाले बच्चों कोई बात नहीं है, आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेगी कि रॉ मटेरियल बता दिया मैंने, क्या चाहिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिएगा और Cl2 गैस चाहिएगी। अगर इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं बच्चों तो क्या बनता है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और हिंदी में इस ब्लीचिंग पाउडर को बच्चों बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, भी इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करूं बच्चों सबसे पहले, तो प्रॉपर्टी हम फिजिकल प्रॉपर्टी बताते हैं या केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं, जो आपकी मर्जी है। तो पहले, सबसे पहले इसका नाम बता देते हैं क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलोगे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर इसका कलर बता दोगे आप, येलो व्हाइट होता है, येलो व्हाइट पीपीटी होते हैं इसके। इसकी दो हमने प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर लिया, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग कलर फ्रॉम द क्लोथ्स।
एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 एंड द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैन्युफैक्चर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। व्हेन वी कंबाइन डायरेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस वी ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड एंड वॉटर मॉलिक्यूल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट लुक लाइक ए येलो व्हाइट पीपीटी। क्या इट लुक लाइक ए येलो व्हाइट पीपीटी? ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं इसके यूज का, यूज की बात करते हैं। ये यूज कहां कहां किया जाता है? ये यूज कहां कहां होता है? तो बच्चों ये यूज आपकी बुक में ऐसे कैसे दिए हुए हैं, यूज कहां कहां होता है? मैं देखो यूज की बात करूं बच्चों में पहला, तो आप पहले कॉटन को साफ करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको साफ करने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में इसको साफ करने के लिए। तो बच्चों इसका जो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, रिमूविंग ऑफ कलर। जहां जहां हमें कलर रिमूव करना चाहते हैं वहां वहां इससे इसका यूज कर सकते हैं बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऐसे लिख रहा है, इट इज यूज्ड इन ए कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू वॉश इट। इट इज यूज्ड इन ए पेपर इंडस्ट्री टू वॉश द पेपर। इट इज यूज्ड इन द लॉन्ड्री टू रिमूविंग द कलर ऑफ द क्लोथ्स। इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है? तो जो मक्खी मच्छरों को मारने के लिए यूज किया जाता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, उसको इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में ही यूज किया जाता है। तो बच्चों ये आपका क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। हाँ एक बात और शेयर करना चाहूंगा बच्चों, आप मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे यार, कम से कम मेरे को बोल के तो बताओ मेरी टीचिंग आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो मैं आपके मैनेजमेंट को बोल देता हूँ कोई और टीचर रख लेंगे। भी मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो और अपना खुद का भी टाइम खराब कर रहे हो। मैं सोच रहा हूं कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करो भाई। आप मेरे को रिस्पॉन्स दोगे तो बच्चों मेरा भी मन करेगा और अच्छा पढ़ाने का और अच्छा बढ़िया कंटेंट देने का। अगर आप मेरे को बढ़िया रिस्पॉन्स देते हो तो मैं बच्चों आपको नोट्स भी दे दूंगा। तो कम से कम मेरे को 10-15 दिन आप रिस्पॉन्स तो अच्छा देके दिखाओ ना। अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो यार मैं यहाँ पे बोल बोकरूंगा, लिख बोकरूंगा, आप में से कोई वीडियो देखेगा ही नहीं। अगर देखेगा वो लाइक नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा हुआ इस बात में। तो अब अगली बात करता हूं मैं किस चीज की, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो बच्चों घर में यूज करते हैं, कौन सा, मीठा सोडा। अब मीठे सोडे की प्रॉपर्टी आपको पता है कैसे बनता है ये मैं बता दूंगा। प्रॉपर्टी आपको पता है कि कोई चीज को खाने की चीज बनाते हैं तो उसको मुलायम करने के लिए यूज करते हैं और बहुत से यूज होते हैं इनके डेली लाइफ में। तो बेकिंग सोडा की बात करते हैं, बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बच्चों ये सबसे पहली बात तो ये सोलवे प्रोसेस से तैयार होता है। किससे? सोलवे प्रोसेस से। अब ये सोलवे प्रोसेस भी देखेंगे, एक नंबर पे क्वेश्चन आ जाए कि बेकिंग सोडा कौन सी प्रोसेस से हम तैयार करते हैं तो आप बोलोगे कि बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड विद सोलवे प्रोसेस। अब बच्चों इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, या इसका पहले केमिकल फॉर्मूला देखें, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट्स ए केमिकल नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। अब बच्चों इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, रॉ मटेरियल बच्चों इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, सबसे पहले CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
क्योंकि मेरे को कार्बोनेट लास्ट में चाहिए, आपको पता है, और NaCl मेरे को यहां पे NaCl चाहिए। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट हमें बच्चों चाहिए अमोनिया। क्या अमोनिया इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। आप बच्चों इसे अपनी बुक से पढ़ लेना, यहां पर तो मैं करवाता हूं, चलो ठीक है। तो अब देखोगे आप सबसे पहले प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चों, इसको गर्म करते हैं, CaCO3 को हीट करते हैं। इसको देखो यहां पे, देख लो बोर्ड पे, CaCO3 को हीट करते हैं तो हमको मिलता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। दिस इज ए सोलवे प्रोसेस। हमें सबसे पहले सोलवे प्रोसेस बच्चों कहां यूज करते हैं, सोलवे प्रोसेस हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए यूज करते हैं, और बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों हम बेकिंग सोडा को बनाने के लिए यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, अब NaCl हमारे पास प्रेजेंट होता ही है, NaCl हमने यहां पे ले ही रखा है, CO2 वहां से ऑब्टेन हो गया, और H2O अगर मिला दें बच्चों NaHCO3 ये हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें बच्चों मिल जाता है। और अगर आप इसको बैलेंसिंग करोगे या बाई प्रोडक्ट की बात करो तो NH4Cl मिलता है। क्या मिलता है, NH4Cl। इट इज द प्रीप्रेसेंस ऑफ ए, इट इज द प्रीप्रेसेंस ऑफ ए किस चीज के लिए, सॉरी बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा को बनाने की विधि है बच्चों, इस तरीके से हम बेकिंग सोडा बनाते हैं, आप समझ रहे हो इस बात को। अगर बच्चों अगर हम क्या करें, इस बेकिंग सोडा को हीट कर दें, भाई सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला देख लिया, केमिकल फॉर्मूला देख लिया, केमिकल नेम देख लिया, कौन सी प्रोसेस से तैयार होता है ये देख लिया, इसके रॉ मटेरियल देख लिए, तो सोलवे प्रोसेस देख ली हमने, सोलवे प्रोसेस देख ली हमने, और इसकी फॉर्मेशन देख ली, ऐसे फॉर्मेशन होती है। अब इसका यूज की बात करें हम, यूज बेकिंग सोडा का यूज खाना बनाने में यूज किया जाता है बच्चों, आपको पता है जब हम कुछ तली हुई चीजें बनाते हैं तो बेकिंग सोडा को उसको मुलायम करने के लिए यूज करते हैं, आपकी किताब में दिया होगा, स्पंजी बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब एक बात बताओ, जैसे ही अगर बच्चों इसको हीट करता हूं, CO3 है लास्ट में, और छोड़ो आपको यहां पर CO2 जरूर मिलेगा, CO2 जरूर मिलेगा। और बच्चों इस CO2 का काम क्या होता है, इस CO2 का काम यह होता है कि यह आग बुझाने में काम आती है। तो अब इस बेकिंग सोडा को हम आग बुझाने के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर CO2 आग बुझाती है, अगर बेकिंग सोडा से ये निकलती है तो बेकिंग सोडा को हम आग बुझाने के लिए या फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। और बच्चों ये लैब रिएजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, लैब रिएजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि लैब रिएजेंट क्या होता है, बच्चों ये लैब रिएजेंट, लैब में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं हमें, उनमें उनकी सहायता के लिए लैब रिएजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको तीन यूज बता दिए इसके, कितने यूज बता दिए, तीन यूज बता दिए। तो बच्चों यहां पर आपका बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर खत्म होता है, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उससे अगले सेशन में NaOH एंड NaCl। NaCl के बारे में बताता हूं आपको, NaCl क्या होता है, जो टेबल साल्ट होता है बच्चे NaCl होता है, कैसे बनाते हैं उसे, समुद्र के पानी से बनाते हैं, ठीक है। घर में बनाना हो तो हम यूज करते हैं बच्चों एक स्पेशल टाइप वेसल जिसमें एनोड और कैथोड होता है, इसको हम लास्ट स्केल पर डिस्कस करेंगे लास्ट दिन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को पता चल सके कितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, कितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो कमेंट करके मेरे को बताओगे, तभी तो मैं यहां पर हिंदी में शुरू करूंगा। कोई बच्चा बोल तो रहा नहीं कि मैं हिंदी मीडियम का हूं, सर हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, अगर बिना बोले मेरे को पता नहीं चलेगा
और मैं इंग्लिश में कराता जाऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे और हिंदी वाले पीछे रह जाएंगे। तो हिंदी मीडियम वालों का क्या काम होगा, कमेंट सेक्शन में जाएंगे लिखेंगे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे इंग्लिश मीडियम लिख देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स।